धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल। मामला कटकमसांदी थाना क्षेत्र के कंसार पंचायत अधीन बेलरगड्डा गांव का है। मामले का उद्भेदन तब हुआ जब घर के महिलाओं ने घर में पूजा अर्चना व धार्मिक कर्म कांडों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। पुरुषों द्वारा इस बात की तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि गांव के ही क्षेत्र के चेतलाल प्रसाद मेहता पिता स्वर्गीय आतो मेहता द्वारा गाँव की महिलाओं व युवतियों को झाड़ फूक व मुफ्त इलाज के बहाने धर्म के विरुद्ध 2 वर्षों से मानसिकता में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हिंदुत्व के प्रति आपत्तिजनक प्रवचन व घर से प्राप्त ईसा मसीह का पोस्टर व प्रचार को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष चेतलाल प्रसाद मेहता के घर को घेर ली और पुलिस को सूचना दिया गया। तभी थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर जानकारी ली और पूछताछ के लिए आरोपित को थाने ले गई। खबर 365 न्यूज के लिए कटकमसांडी से मासूम पांडे की रिपोर्ट। इलाका थक चुके थे, कोई उसमें सहारा बनने वाला नहीं था। रातों रात जगते थे, रात को एक महीना तक हम कम से कम अगले साल जो हम लोग का अप्रैल से जो मेरा चालू हुआ था, पता हूँ कौन दुष्ट आत्मा था कि दुष्ट आदमी था, सो भगवान परमेश्वर जाने, लेकिन हमको मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, हर जगह हम करके थक चुके थे लेकिन कहीं के सुनवाई कुछ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, कोई हमको बताया गया इस जगह आओ कहाँ से कल्याण होता है, तो हमको भी लगा कि हर जगह करके हम थक चुके हैं तो इस सत्संग में जाने से क्या होगा। से अब मेरे मन में हमको ही विश्वास नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई कोई बोलते रहा, तो हम बोले आज उसको ऐसा हुआ उसको ऐसा हुआ, तो हमको मन में थोड़ा सा आया कि ऐसा होता है चलो हम भी जाकर देखते हैं। तो धन्यवाद हो पिता को, जब उनके शरण में आए तो परमेश्वर से चाहत की है, पिता आप जानो प्रभु सब आपकी ओर से है, परमेश्वर आप जानो। तो देखिए भैया हर चीज से करते करते हम थक चुके थे, लेकिन परमेश्वर इतना महान है, जहाँ भी जाते थे 20,000, 15,000, 10,000 करके मांग करता था, हर कोई मांग करता था, डॉक्टर पर जाते था, बोलता कोई बीमारी नहीं इसका है, क्या दिखावे, मेरे हस्बैंड भी थे चारों पटे लेते लेके वो थक चुके थे, बोलते करे ना करे, क्या करे, हमको कुछ समझ में नहीं आता। मालिक के कमों मुंह बदल हाँ तो गए, मेरा पति तो बैठल रहते थे यहाँ, तो गए तो बैठल तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद से काम कर रहे हैं वहाँ चाय होटल में। चाय होटल तो खुलल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के चाहत में लग रहे हैं तो चाय होटल में काम कर रहे हैं। ईश्वर का बस सिर्फ यही कहना है, दादाजी यही कहना विचार है कि जो गाल गलौज ना करेंगे, जो दादाजी का जो बात मांगे गाल गलौज ना करते हुए, शराब ना मतलब शराब ना बनते हुए, ना मारपीट करते हुए जो करेंगे, जो दादाजी का बात मानेंगे गलती ना करते हुए, अगर उनका ठीक नहीं हुआ तो अब दादाजी को मतलब दादाजी को अब दोष दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ठीक हो गया तो समझ गए कि हमारे उद्धारकर्ता ये हमारे मॉनिटर बन गए हैं और हमारा उद्धारकर्ता हमारे ईश्वर है। मैं बहुत अच्छा भद्र आदमी हूँ, नहीं पिता के नाम लेने के लिए आते हैं और पिता का नाम हम लेते हैं, मेरे मार्फत आपको पिता कल्याण करे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।